आज हम आपको बताएंगे ऐसी चार चीजों के बारे में जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम ने बनवाया था। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। प्रभु श्री राम ने अयोध्या से निकलकर लंका तक के सफर में जहां जहां पर अपने पग धरे वहां वहां के खास स्थानों पर मंदिर, कुंड और रामालय बन गए। निश्चित ही लंका से लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या में कई सारे अलग अलग प्रकार के कार्य किए होंगे, जैसे शिवालय बनवाना, महल बनवाना, आश्रम, कुटिया या इत्यादि कुछ बनवाना। परंतु आज हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ खास कार्य के बारे में जो उन्होंने अपने वनवास के दौरान किए थे। सबसे पहले है पर्णकुटी। जी हाँ, श्री राम जब गंगा पार करके चित्रकूट पहुंचे तो वहां गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। महर्षि ने वहीं एक पहाड़ी पर श्री राम को कुटिया बनाने की सलाह दी। श्री राम ने वहां पर पर्णकुटी बनाई और वहीं रहने लगे। बाद में वे नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गए तो वहां पर भी उन्होंने पर्णकुटी बनवाई। फिर जब वह सीता की खोज में निकले तब रास्ते भर में जहां जहां कुछ दिनों तक उन्हें रुकना था वहां वहां उन्होंने पर्णकुटी बनाई। बाद में रामेश्वरम में और फिर अंत में श्रीलंका में पर्णकुटिया बनाए जाने का उल्लेख भी मिलता है। अगला है वस्त्र। ऐसा कहते हैं श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता खुद के ये वस्त्र और खड़ाऊ खुद ही बनाते थे। जी हाँ, वो पेड़ों की छाल से खुद के लिए खड़ाऊ बनाते थे और वस्त्रों के लिए वो रेशम का इस्तेमाल करते थे। कभी कभार दान दक्षिणा के तौर पर उन्हें जो भी वस्त्र मिलता वो उसी को धारण किया करते और एक साधुओं की जिंदगी व्यतीत करते। वहीं अगला है शिवलिंग। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। कहते हैं दोस्तों कि यही वो समय था जहां पर आज भी आप अगर कलयुग में देखेंगे तो आपको रामेश्वरम बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। वहां जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही एहसास होगा जैसे उस समय में रामायण में हुआ होगा। अगला और आखिरी है सेतु। जी हाँ, राम सेतु। हर कोई कहता है कि प्रेम अगर इसका प्रतीक कुछ है तो वो है ताजमहल, लेकिन हम कहेंगे नहीं, ताजमहल नहीं, राम सेतु ही असली प्रेम का प्रतीक है। प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वो भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम जी ने सेतु का नाम नल सेतु रखा था। दोस्तों, ऐसे में यही वो चार चीजें थी जो प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान बनाई थी। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।